हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं वेज मैक्सिकन राइस। आइए देख लेते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या क्या सामान चाहिए। हम लेंगे 1 कप ब्रोकली, 2 बड़े चम्मच कटे हुए लहसुन। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन नहीं है तो आप लहसुन का पाउडर भी ले सकते हैं। तो आधा प्याज कटा हुआ, आधा कैप्सिकम कटा हुआ, 1 हैलोपेनो कटा हुआ, लगभग 1 कप कटा हुआ पत्ता गोभी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच दरकुटे लाल मिर्च, थोड़े से टैको सीजनिंग, ये मेरे घर के बने हुए हैं, और नमक, और बड़े चम्मच में 1 चम्मच सोया सॉस। अभी हम लोग एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें 1 बड़े चम्मच के आसपास तेल डालेंगे। और अभी हम लोग पहले इसमें हमारा लहसुन और ब्रोकली डाल के 5 मिनट के आसपास भूनेंगे। आपको मेरे चैनल में टैको सीजनिंग का रेसिपी मिल जाएगा। और अगर आपके पास सारे सामग्री घर पे नहीं है टैको सीजनिंग बनाने के लिए, तो अगर आपके पास ऑल पर्पस इटालियन सीजनिंग है, आप उसमें थोड़ा सा जीरा का पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिला लीजिए, आपका टैको सीजनिंग बन जाएगा। अभी हम लोग इसमें प्याज और हैलोपिनो डालेंगे और उसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पे मैं जितने भी सब्जियाँ डाली हूँ, अगर वो सब सब्जियाँ आपके पास नहीं है तो आप अपने हिसाब से सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे कि मशरूम डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सब्जियाँ लें जो कि आपके पास घर में अवेलेबल है। अभी हम इसमें अपना पत्ता गोभी और कैप्सिकम डालेंगे, और साथ ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और दरकुटे लाल मिर्च डालेंगे, जो कि हम लोग चिली फ्लेक्स बोलते हैं, और उसके साथ अपने स्वाद के हिसाब से नमक, उसके साथ 1 बड़े चम्मच सोया सॉस और 1 बड़े चम्मच अपना टैको सीजनिंग डालेंगे। ये टैको सीजनिंग मेरा घर का बना हुआ है, इसलिए इसमें नमक कम है। तो आप अगर मार्केट से लेते हैं उसमें नमक चेक कीजिए और उसके हिसाब से ही आप अपना नमक डालिए। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता है और प्रिपरेशन के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगता है, इसलिए ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाता है। अभी हम सारे मसाले और सब्जियों को मिला लेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें 4 कप चावल मिलाया है यहाँ पे। और चावल को अच्छे से सब्जी और मसाले के साथ मिलाने के बाद हम लोग अपना हीट लो में रख के इसको और 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जैसे कि सारे मसाले की खुशबू हमारे चावल के अंदर चले जाए। ये वाली चावल बच्चों को बहुत पसंद आता है और हेल्दी भी रहता है, क्योंकि हम लोग इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल डालते हैं। और ये सिर्फ़ 1 आइटम आपका लंच और डिनर का पर्पस सॉल्व कर लेता है, तो ये बनाने में आसान और खाने में हेल्दी और टेस्टी भी रहता है। तो डेफिनेटली ये आप ट्राई कीजिए। अभी हम लोगों का चावल खाने के लिए रेडी हो गया है, और अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड मज़रोला चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहो तो चीज़ डाल सकते हो, या तो आप ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हो। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए आपका कैसा बना, और मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलिए नया रेसिपी के लिए।